महाराज की जय हो। किंग कॉन्ग, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हुक्म कीजिए महाराज। हमारी रियासत में खौफनाक जानवर देखा गया है जिससे रियाया के लिए खतरा पैदा हो गया है। हम समझते हैं कि तुम्हारे सिवा उसे कोई नहीं मार सकता। मैं उसका शिकार जरूर करूंगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। उस खौफनाक जानवर का पता चल गया। कहाँ है वो? पास के जंगल में। फौरन चलने की तैयारी की जाए। हम भी किंग कॉन्ग के साथ चलेंगे। रागी, ओ रागी, उठ। जानवर तो मर गया। रागी, उठ 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 उठ। खौफनाक जानवर। किंग कॉन्ग, तुम्हारा शिकार सामने है। टूट पड़ो। किंग कॉन्ग जिंदाबाद। इसको किसने मारा? मैंने। तुमने? तुम कौन? किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग, तुम्हारा ये नाम किसने रखा? मेरी माँ ने। किंग कॉन्ग तो हमारे राज की पदवी है जो कि हम सबसे बहादुर और ताकतवर आदमी को देते हैं। मेरी माँ कहती है कि मैं सबसे बहादुर और ताकतवर आदमी हूँ। तो तुम्हें हमारे किंग कॉन्ग से लड़ना होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। किंग कॉन्ग, मेरी माँ कहती है कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छा काम नहीं। किंग कॉन्ग बनना है तो मुझसे लड़ो। No!
नौजवान, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए और आज से किंग कॉन्ग की पत्नी हम तुम्हें इनायत करते हैं। शुक्रिया। ये लो, हम तुम्हें बतौर इनाम देते हैं और आज से तुम हमारे दरबार के रत्न चुन लिए। आओ हमारे साथ। अभी नहीं महाराज। क्यों? माँ से उठे बगैर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। धन है तुम्हारी माँ जिसने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। तुम अपनी माँ से बेशक पूछ सकते हो। ऐसी तो कोई बात नहीं। कल तक तो तेरी तबीयत बिगड़ी हुई थी, आज क्या हो गया? कोई खजाना हाथ आ गया है क्या? ऐसा ही समझ ले। तो दिखाना मुझे भी। जा, पहले पानी में अपना मुंह देख के आ। उसे तो तेरी आंखों में भी देख रही हूँ। चल हट। हाथ देखो तो बड़ा अच्छा है, मेरे लिए लाया है। ले पहना दे मुझे। पहनाता हूँ, पहले आंखें बंद कर। पहना ना, देख क्यों कर रहा है? चलिया कहीं का। माँ, माँ। माँ, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तेरी मुट्ठी में तेरी तकदीर है बेटा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये देखो। अरे ये हार कहाँ से लाया? ये तो राजा को मालूम होता है, तुझे कहाँ से मिला? मैंने राजा की किंग कॉन्ग को हरा दिया है माँ, उसने मुझे इनाम में दिया है और दरबार में बुलाया है। नहीं नहीं बेटा, तू वहाँ नहीं जाएगा। क्यों? समय आने बताऊंगी। अभी बताओ ना माँ। क्यों रे, माँ होकर अब मुझे तेरी मर्जी पे चलना होगा? नहीं माँ, नहीं हुँ? नहीं माँ, नहीं। कान तो छोड़ दो, मैं तुम्हारी मर्जी पे चलूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे निशान कहाँ गया बेटा? निशान, मैं समझी तुमने कहीं खो दिया। इसे कैसे खो सकता हूँ माँ, जब तक मेरा भाई नहीं मिल जाता तब तक यही मेरा भाई है। अबे चल चल, मैंने तेरे जैसे कई शेर देखे हैं। अगर तूने माँ का दूध दिया है तो पलटू के सामने आ। अबे एक ही बार में खोपड़ी के 326 टुकड़े नहीं करती है तो मेरा नाम पलटू नहीं। अरे आगे बढ़, अबे आगे बढ़। डर गया? अबे ओ मरी एक शेर की औलाद, अबे पलटू महाराज को तौ दिलाता है, गुस्सा दिलाता है। याद रख, अबे याद रख, पलटू महाराज को तौ आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर वही बात, अबे चूहा की औलाद फिर बोलता है, तू खोपड़ी में है। याद रख, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या बेटे पोती बंद हो गई? बोल 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 बोल। बताओ, बताओ, क्या करूं? बताओ, ये तो भैया जी, माफ कर दो, मैं तो सब कुछ मजाक कर रहा था। तो आप हैं बादल भैया, तुमने सारा मनो चौपट कर दिया, वरना आज मैं उसका कचोर बना देता। अरे जिंगे ना मार, नकली आवाज से तो डर गया। अजीब काम कहता है डर गया। ये देख तेरे माथे का पसीना। बादल भैया, मेहनत करने पे पसीना तो आता ही है। नहीं एक छोटी सी बात। अरे नकली शेर से लड़ने से तो अच्छा था तू जिंदा गिदड़ से लड़ता। लेकिन बादल भैया, रियाज के बगैर जिंदा गिदड़ से भी लड़ने का खतरा कैसे मोल ले सकता? पलटू
ये मेरा निशान कब निकाल दिया तुमने? अरे बादल भैया, जब तुम सोते हो तो तुम्हें दीन दुनिया की खबर कहाँ रहती? तू जानता है क्या कीमत है इसकी मेरी नजरों में? हाँ हाँ भैया, मुझे सब मालूम है। पलटू महाराज मतलब की बात कभी नहीं भूलता। हाँ, मेरे पिताजी ने मरते वक्त हम दोनों को कहा था कि ऐसा ही एक निशान तुम्हारे बड़े भाई के गले में भी है, यही ना? फिर भी तू इससे खिलवाड़ करता है। बादल भैया, तुम एक जगह बैठे रहते हो और मैं घूमता फिरता रहता हूँ। दरअसल मैंने ये इसलिए पहन लिया था कि हो सकता है इसी के जरिए मैं एक दिन तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालूं। राजकुमारी जी, मेरा नाम पलटू है, भाई को एक ही हाथ में पलट कर रख दिया, देखा? अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। अरे अभी बहादुरी दिखाने का मौका कहाँ मिला है? बहादुरी देखनी हो तो किसी शेर को सामने लाओ, ये तो गीदड़ था भाग गया। अरे तो चलो ना, राजकुमारी को भी बचाओ ना। राजकुमारी को? हाँ ये कौन सी भाई भाभी, चलो। किंगू क्या है ये हार लेकर कहाँ जा रहा है? उस राजा के मुँह पे मारने। वाह 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 वाह, इतना बड़ा पहाड़ जैसा आदमी होकर इतनी सी चीज लेकर राजा के मुंह पर मारने जा रहा है। ला मुझे दे, मैं राजा के मुंह पर मार के आती हूँ। रागी, तुझे कई दफे कहा है, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, मजाक नहीं पसंद है? चल हट। किंगू मुझसे हमेशा मजाक करती रहती है। माँ, नाहक बेचारी को धक्का दे दिया। मैं लावारिस हूँ ना माँ। मैं तेरी वारिस हूँ बेटी, क्या तू मुझे अपनी माँ की जगह नहीं समझती? तुम्हारा ही तो सहारा है माँ, वरना मेरा है ही कौन? तुम छोटा न कर बेटी, तेरे मुंह पर गम नहीं सचता, तू हंसती हुई अच्छी लगती है। लो ये इनाम। महाराज, इनाम लेने से जान पहचान का खाता बंद हो जाता है, फिर कभी ले लूंगा। अच्छा, तुम्हारी अमानत है, जब चाहो ले सकते। शुक्रिया। मैंने कहा जी, आपका कोई बाप बाप नहीं जो हमें भी इनाम दे? मेरा भी संसार में कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, चिंता ना करो सुंदरी, जिसका इस संसार में कोई नहीं होता उसके हम हैं, हमें ही अपना बाप। मेरा मतलब है हमें अपना है दोस्त समझो। अच्छा राजकुमारी, अब आगे दीजिए। चलिए थोड़ी दूर तक हम आपको छोड़ाए जी। चलिए चलिए। अफसोस सरकार कि आपके हाथ आकर भी चिड़िया उड़ गई। अजी कहाँ वो
कहा आप शेर और गीदड़ का मुकाबला ही क्या? मैं भी देखूंगा कहां जाएगा बचकर। लग जाता तो क्या फर्क पड़ता? चुप रहो जबान दराज। शायद आप ढूंढे हैं। तुम कौन हो? ये तो लाने वाले से पूछिए। अजय हम दिन घुमाए थोड़े कहीं जाते हैं। इन्हें हम लाए हैं सेनापति। राजकुमारी जी, एक मामूली बात के लिए इन दो कौड़ी के आदमियों को सर चढ़ाना ठीक नहीं। इन्हें की आदत नहीं। क्या कर लेगा? जो आप कर सकते हैं उससे ज्यादा। जी चाहे तो आजमा के देख ले। राजकुमारी की जान बचाई, उसे एक बदमाश के पंजे से छुड़ाया। अरे बेटे, यही तो तुमने पाप किया है। तू चुप बैठ, तू कहां मर्दों के बीच में? अगर किसी की जान बचाना पाप है तो लाने दो। तुम्हें सजा दी जाएगी। वो किसे गिरफ्तार करके ढींगे मारता है? छोड़कर देख मुझसे कौन की सजा देता है। ये क्या कर रहे हो? ये अपने बड़े भैया आ गए, इनको भी तो कुछ हाथ पैर खोलने का मौका दो। इन्होंने हमारी जान बचाई है, इन्हें दुश्मन क्या छोड़कर हम नहीं जाएंगे। अबे हाँ। सुनो, तुम आराम से चले जाओ, इन सब में कुछ नहीं। नहीं नहीं, अगर कोई खतरे वाली बात हो तो मैं रुक जाता हूँ। Ah!
किंग कॉन्ग, तुम अपनी माँ से जरूर पूछ आए हो। हाँ। क्या कहा उसने? ये कहा है मेरी माँ ने। बदतमीज सेनापति। किंग कॉन्ग, शायद तुम्हारी माँ को कोई गलत फहमी हुई। हम तुम्हें एक मौका और देते, जाओ से पूछ कर आओ। बादल भैया, बादल भैया, है ये तुम चांद को घूर घूर के क्या देखते हो? सुना है आशिकों का पैगाम चांद के जरिए भी भेजा जाता है। मैं चांद से कह रहा हूँ, राजकुमारी से जाके कह दे कि बादल तुम्हारी आग में तड़प रहा है। अच्छा जी, तो आप अपनी मोहब्बत के चक्कर में, लेकिन बादल भैया तुम्हें मेरी मोहब्बत का बिल्कुल ख्याल है। तेरी मोहब्बत के ख्याल में तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, मोहब्बत की आग को दबाकर आंखें बंद कर ले, सुंदर सपने अपने आप आने लग जाएंगे। सच? हे तुम्हारे भैया, हे मुझे भी सपने देकर सुला दो। हे वैसे नहीं तो कम से कम सपनों में ही मुलाकात हो जाएगी। ठंडी ठंडी आहें, ये लंबे लंबे सांस, करवटों पे करवटे, किसकी फिराक में है राजकुमारी? चल हट, अपने आई दूसरों पे गवाई, खुद ही तड़प रही होगी किसी के फिराक में। हम तो नहीं छुपाते, सचमुच तड़प रहे हैं किसी की याद में। कौन है वो? जिस जालिम ने आपको बचाया उसी ने मेरा दिल चुराया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं? दिमाग तो ठीक है, अलबत्ता किस्मत ही खराब है। छबीली, हमने तुम्हें जो इज्जत बख्शी है तुम उसका ये बदला चुका रही हो। हाँ हाँ, कहिए आगे कहिए। जहाँ आप दिल लगाए बैठी है वहाँ मैं भी नजरें जमाए बैठी हूँ, यही बात है ना? हाँ, यही राज जानने के लिए मैंने ये बात कही थी। वो तो आप ही को मुबारक हो, मेरा तो पलटू के साथ। बोल बोल, आगे बोल, क्या मामला है? वही जो आपका बादल के साथ, आप उसकी मोहब्बत को दिल में दबाए ठंडी आहें भर रही थी और मैं ये सोच रही थी कोई मोहब्बत का जिक्र करे। काय के लिए? ध्यान जमाने के लिए, ताकि सपने भी आए तो उसी के आए। अरे नींद आए तो सपने आए। मैं मोहब्बत का साथ छेड़ती हूँ, तुम सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। ये तेरी गर्दन से खून कैसे बह रहा है? बहने दे। क्या कहा? खून बहने दूं? चल यहाँ बैठ जा। नहीं बैठता। मैं कहती हूँ यहाँ बैठ जा। क्या बात है, जब देखो तब तुम दोनों लड़ते ही रहते हो। देखो ना माँ, मेरे को इलाज नहीं करने दे रहा है, गले से खून बह रहा है। खून कैसे बह रहा है बेटा? राजा के यहाँ से लड़के आ रहा है। क्यों वो? तेरे गले का निशान कहाँ गया बेटा? जब से निशान हाथ लगा है हमारी रातों की नींद हराम हो गई। निशान के मालिक का फौरन पता लगाया जाए। महाराज, इस निशान के मालिक का तो मेरे पिताजी ने आपके साथ मिलकर खात्मा कर दिया था। नहीं, मां दोनों बच्चों को लेकर भाग गई थी, हो सकता है कि वो जिंदा हो। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है, जाओ। छबली 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 छबली, मिल गया हुजूर, सब कुछ मिल गया। क्या मिल गया? छबली। हाँ, जाकर मालूम करोगे निशान का मालिक कौन है। निशान का मालिक, निशान
अरे हुजूर, या तो उस रागी की बच्ची का होगा या किमकाओं का होगा, उन दोनों के सिवा यहाँ कोई आया नहीं। आप फिक्र न कीजिए, मैं चुटकियों में पता लगा लेता हूँ। छबीली का बच्चा, रागी, ए रागी, ये पत्थर तूने मारा? मैं पूछता हूँ, ये पत्थर तूने मारा? मैंने? तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं बेहोश हूँ। मैं पूछता हूँ, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? मैं पड़ी रहती हूँ या तू मेरे पीछे पड़ा रहता है? मैं? तू मेरे पीछे नहीं है तो मुझे जंगली जानवर से क्यों बचाया? वही तो एक भूल हो गई। तू तो बिल्कुल भोंदू है। क्या कहा? तेरा शरीर तो हाथी जैसा है लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं है। तेरे पास तो है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या लहत? मैं तो हट जाऊंगी लेकिन तू मेरे दिल से जा सके तो मैं जानू। शु 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 शु। नारी टकरा गई, तपस्या भंग हो गई, आंखें खुल गई। तू किसी दुख में है क्या? इसे क्या दुख होगा बाबा, दुख में तो मैं हूँ। वो तो हम भी जानते हैं। फिर भी पूछते हो, अजब चमत्कार है तुम्हारी लड़की। हाँ बाबा। तू फिर साधु का ध्यान खींच रही है। किंग कॉन्ग? हाँ महाराज। तुम्हारी कोई चीज खोई है क्या? हाँ। भला बताओ तो वो कौन सी चीज है? इसने बता दिया तो तुम क्या बताओगे बाबा? हम जमीन और आसमान की बताएंगे, इंसान और भगवान की बताएंगे। तू साधु के बल को आजमाना चाहती है लड़की? तो सुन, किंग कॉन्ग के गले का निशान खो गया है। महाराज आपको कैसे पता चला? अब मान गई ना? चलो साधु महाराज की सेवा करो। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? साधु महाराज का चमत्कार नष्ट हो जाएगा। तो लाइए महाराज, मैं दबाई देता हूँ। तुम दबाओगे? नहीं नहीं बेटा, बस बस सेवा पूरी हो गई। तो बताइए मेरा निशान कहाँ है? हाँ हाँ महाराज बताइए ना, इसका निशान कहाँ है? आगे बताने की गुरु आज्ञा नहीं है। अच्छा हम चलते हैं। दुनिया फेकम फेक प्यारे, दुनिया फेकम फेक, दुनिया फेकम फेक प्यारे, दुनिया फेकम फेक। तू सबकी नकल करती है। तेरी भी कर सकती हूँ, करू? कर। अरे अरे अरे, औरत पे हाथ उठाता है? डर गई ना? डरी नहीं बल्कि तुझे औरत पे हाथ उठाने की बदनामी से बचा लिया। शान के मालिक का पता चल गया, कौन है वो? किंग कॉन्ग। दुश्मन अभी तक जिंदा है। लेकिन महाराज उसे अभी तक इस सिक्के का राज मालूम नहीं। आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा, फिर वो आफत आएगा, इसलिए राज मालूम होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेना जरूरी है। ऐसा ही होगा महाराज। बदन सिंह तुम इधर जाओ, शेर सिंह तुम इधर देखो।
चलो इसे। कौन किसी कैबी ताकत का मालिक है, उससे उलझे अपने आप को मौत के मुंह में झोंकना है, उसे खेले ले हम सबकी हालत बिगाड़। ये फौज के सेनापति बोल रहे हैं, अपनी बुजदली की खबर सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मरो। देखा ना माँ, किंगू शायद फिर किसी से लड़के आया है, देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। चल हट, रहने दे ये हम। क्या हुआ बेटा? माँ, वो सेनापति का बच्चा अपने आदमी लेकर मुझे मारने आया था, मैंने सबको मार भगाया। अगर मैं होती तो सेनापति के बच्चे की आंखें निकाल लेती। मगर माँ, ये लोग किंगू के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं जानती हूँ बेटा, इसका कारण वो निशान है। निशान? हाँ बेटा, वो निशान यहाँ के असली राजा का निशान है। असली राजा कौन है माँ? असली राजा कौन है? असली राजा तेरे पिताजी थे बेटा, हाँ, जिन्हें मार कर गद्दी पर बैठा। तो फिर ये मेरे पिता का खूनी है। माँ, मैं अभी जाकर उससे बदला लेता हूँ। अभी समय नहीं है। अब मुझे किसी समय का इंतजार नहीं है माँ। किंगू, मैं कहती हूँ रुक जा। मुझे मत रोको माँ, अब मैं अपने पिता का बदला लेकर ही रुकूंगा। मेरे जीते जी तो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। माँ बैठ जा, मैं कहती हूँ बैठ जा। माँ बेटा। माँ किंगू। सेनापति जी, क्या है? ये दोनों महल के आसपास चक्कर लगा रहे थे। कौन हो तुम लोग? जादूगर अंतर मंतर छू मंतर। देखा, इसे जादू कहते हैं। बेवकूफ बनाते हो जमूरे। आओ सर, सेनापति के बात का जवाब दो। देगा? ये देखे मेरे जादू का कमाल, न फ्रेब है न जाल। छू इमली छू काला रे बंगाला छू, इमली छू काला रे बंगाला छू छू। ये तो थी हाथ की सफाई, अब आपको दिल की सफाई दिखाते हैं। वो कैसे? जमूरे हाउस लेट जाओ। लेट गया, देखिए मेरा हाथ खाली। ये देखिए मेरा।
है जमूरे। हाँ उस्ताद। जो पूछेगा बताएगा। बताएगा। अरे तू बताएगा। सब बताएगा। है जमूरे। हाँ उस्ताद। बताओ हमारे हाथ में क्या है? पूछ। सच बताओ क्या है? पूछ। ना 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 मूछ। अरे मूछ तो है पर किसकी मूछ है? भाई की। ठीक है बेटा जमूरी। हाँ उस्ताद। जो कुछ पूछेगा बताएगा। बताएगा। हाँ तो ये बता पहले सेनापति जी काहे में थे अब काहे में है? सेनापति जी पहले गुस्से में थे और अब चिंता में। अरे गुस्सा काहे का और चिंता काहे की? गुस्सा अपनी नाकामी का था और चिंता एक सुंदर नारी की है। अरे 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 शाबाश बेटा जमूरे। अरे जादूगर अरे तुम तो काम क्या हा, 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 बच्चा बच्चा दूर खड़ा रहो जाओ और जल्दी से जो कुछ पूछना है पूछ लो वरना मैं अपने जमूरे से जादू उतारता हूँ। अंतर जंतर चुप। नहीं जादूगर एक बार तुम लोग जाओ। तुम भी जाओ। अरे जाता हूँ ना। अरे भाई जादूगर हमारी चिंता का कारण है केवल राजकुमार। बच्चा तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा ये बताओ तुम राजकुमारी को हमसे मिला सकते हो? हाँ हाँ। अरे जितनी जल्दी राजकुमारी को हमसे मिलाओगे चिंता उतनी जल्दी दूर हो जाएगी। तो आइए चलिए। बेटा जमूरे। हाँ उस्ताद। हम भीतर चिंता दूर करने जा रहे हैं। जाओ गुरुदेव। हाँ मैं भारी ठहरता हूँ। हाँ 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 इतना बुद्धिमान है। हाँ 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 मैदान बिल्कुल साफ। जादूगर जी ये सब फेकम फेक है या इसमें कुछ माल भी है? आमछू इमलीछू शिन शिन आगे बुबलाबू इचक बिचक छुर 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 दिल वाला मेरे दिल का तमाशा देखे। दिल वाला मेरे जादू का तमाशा देखे। जिसने दिया ना हो दिल उसे क्या आए नजर और क्या देखे। अरे भाई यहाँ तो दिल ही क्या फेफड़े भी दे चुके हैं लेकिन वो छबीली उसे तो घास डालने की भी फुर्सत नहीं। डालेगी डालेगी मेरा बच्चा वो घास जरूर डालेगी। तुझे तो क्या तेरे बाप को भी घास डालेगी। तू मुझे उसके पास ले चल और फिर देख मेरे काले जादू का करिश्मा। चल छबीली मुझे चाहेगी जरूर। अबे तू मुझे उसके पास तो ले चल। बस बस हाथ लगाता चल। राजकुमारी जी ये बहुत बड़े जादूगर है आपके दर्शन करने आए। हमें किसी को दर्शन देने की फुर्सत नहीं। घर आए हुए मेहमान को इस तरह नहीं निकाला करते। या किसी मेहमान की जरूरत नहीं ले जाइए। मामला बहुत गंभीर मालूम होता है। मंत्र जंतर बहुत जोर लगा के पढ़ना पड़ेगा। बच्चा तुम जरा बाहर जाओ तब तक मेरा। अरे आप भी चलिए। अरे बच्चा तुमको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक हम तुम्हारा काम संपूर्ण नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं आएंगे। अरे तुम बाहर चलो बच्चा। अरे तुम्हारा गुरु कहता बेड़ा गर्क कर दिया बाहर। अरे इधर नहीं उधर चलो। चले जाओ नहीं तो। है तुमने हमें कोई बादल से कम समझ रखा है। तुम बादल को जानते हो? अरे बादल को तो क्या उसके बाप को दादा को नाना को परदादा को और उसके जान पहचान वालों को भी जानता हूँ। मगर एक बात याद रखो जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो वरना हम गायब हो जाएंगे और एक बार गायब हो गए तो हाथ मलती रह जाओगी। अच्छा तो जल्दी से हमें बतला दो वो बादल हमें प्यार करते है कि नहीं। हाँ तो फिर मुझे गायब होने की कोई जल्दी नहीं। पर ये तो बता दो तुम भी उसे प्यार करती हो कि नहीं। हाँ अरे एक बार फिर कहो कहो कहो। शाबाश फिर तो देखो हमारी जादूगरी। अंतर जंतर तुम तो बहु रुपये बने हो। तुमने तो कुछ नहीं बनाया दिल ने जो बनाया बन गया। राजकुमारी तू बिन बताए कहां आया है कि बोल फिर आएगा आएगा फिर। अरे इस कमबख्त दिल ने बर्बाद कर रखा है इसलिए यहाँ चला आता हूँ वरना इस राज का सबसे बड़ा जासूस हूँ। जादूगर जी। हाँ जी राज दरबार में जो इज्जत पाता हूँ
यहाँ आकर सब गवाता हूँ और जूते भी खाता हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, तुम्हारा थोबड़ा यानी कि चौकठा इसी काबिल है कि जितने मसाजे कम हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, हम अपने काले जादू से ये गोलमाल सब ठीक कर देंगे। अब तुम उल्टे पैर वापस चले जाओ और रास्ते में जिससे भी टकराओ उसी से मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगी, मिल जाएगी। ए, मुझ पर तेरा ये अंतर-मंतर नहीं चलेगा। जिसका चलना था चल चुका, अब तू भी यहाँ से चलता फिरता नजर आ। आ जाओ यार आ जाओ, ये गुस्से की बड़ी तेज है। ये गुस्से की बहुत तेज है तो हम भी कुछ कम नहीं। हम अपने काले जादू से इसको तो क्या, इसके बाप को भी सीधे रास्ते पे ले आएंगे। बच्चा तुम उल्टे पांव चले जाओ, समय बीत गया तो फिर वापस नहीं आएगा, हम यहाँ सब ठीक कर लेंगे। देखो उल्टे पांव जाना, समझ गए? अभी जाता, अभी जाता। ए, तू अपने आप को क्या समझता है? चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरा मुंह रोश लूंगा। मैं हूँ तुम्हारा पलटू। दगाबाज कहीं के जंगल में जो जादू चलाया था उसका असर देखने आए हो क्या? अजी तुम पे हमारे जादू का असर कैसे हो सकता है, तुम तो खुद जादूगरनी हो। नाच गाना भी होता है। ठीक है, ऐसे मौके पर हमको फौरन हमला कर देना चाहिए। हमला कर देना चाहिए महाराज, मगर फौजी तरीके से नहीं, जासूसी तरकीब से। जासूसी तरकीब से? तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि पूनम के दिन हमारी नर्तकियों का मटकों पर नाच होगा और उन्हीं मटकों के अंदर हमारी फौज छिपी होगी। क्या महाराज, इनाम का हकदार हूं या नहीं? शाबाश। अब ना छुपो रे छलिया, अब ना छुपो रे छलिया, कि देखो घुंघरू हमार चोर चोर बोले। अब ना छुपो रे छलिया, अब ना छुपो रे छलिया, कि देखो घुंघरू हमार चोर चोर बोले। अब ना छुपो रे छलिया, अब ना छुपो रे छलिया, अब ना छुपो रे छलिया, कि देखो घुंघरू हमार चोर चोर बोले। अब ना छुपो रे छलिया। रखोगे हमसे चितवन बदली, कैसे
ना छुपो रे छलिया हो, अब ना छुपो रे छलिया, के देखो घुंघरू हमार चोर चोर बोले, अब ना छुपो रे छलिया। अब ना छुपो रे छलिया हो, अब ना छुपो रे छलिया, के देखो घुंघरू हमार चोर चोर बोले, अब ना छुपो रे छलिया। खून का बदला ले लिया।
भगवान। आज तूने मेरी बरसों की इच्छा पूरी कर दी। तेरी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा पूरी। परेशान क्यों होती हो? तुम लोगों को पकड़ने के लिए ही हमने इस आदमी को नकली राजा बनाया था। तुम ही किंग कॉन्ग की मां हो और अब तक जिंदा हो। पकड़ो इसे। लेने का है। मैं बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं जानता। अगर उन्होंने मेरी मां को नहीं छोड़ा तो मैं राजा और उसके आदमियों को इतना मारूंगा कि उनके होश बिगाड़ दूंगा और मां को छुड़ा कर लाऊंगा। देख, राजा मां को धोखे से ले गया है। हमें भी ऐसी चाल चलनी चाहिए कि वो लोग जीवन भर याद रखे। चल आ मेरे साथ। पहले ये तो बता कि चाल क्या है। चाल? परसों राजकुमारी की सालगिरह है और मैं नाचूंगी। तू राजकुमारी को उठा ले जाना। क्या बात है सेनापति? महाराज, एक लड़की अपने आप को राजनीति से ज्यादा नाचने वाली कहती है और वो राजकुमारी की सालगिरह के मौके पर अपने फन का कमाल दिखाने के लिए आज्ञा चाहती। तुम तो जानती ही हो सेनापति कि आज के दिन हम सबकी मुराद पूरी करते हैं। उसे भी नाच कर अपने दिल की मुराद पूरी करने दो। जो आज्ञा महाराज। Thank you.
किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग, क्या है किंग कॉन्ग? क्या है? तुम्हारी पदवी छीनने वाला वो जंगली राजकुमारी को उठाकर ले गया। मैं ये चाहता हूं कि तुम उसका मुकाबला करो। समय आने पर मैं उसका जरूर मुकाबला करूंगा। अब तुम जाओ, जाओ। रागी, तू जाकर राजकुमारी की रखवाली कर, मैं राजा से जाकर बात करता हूं। अरे मैं औरत हूँ, अगर राजा के सिपाहियों ने आकर राजकुमारी को छुड़ा लिया तो राजा का बच्चा कभी माँ को नहीं छोड़ेगा। तू यहाँ रहे, मैं जाके राजा से बात करती हूँ। मुझे डर है कहीं तुझे ना वो कैद कर। अरे वो क्या मुझे कैद करेगा, जब तक राजकुमारी हमारी कैद में है राजा का बच्चा हमें छू भी नहीं सकता। ले, खा ले। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं खाएगी तो भूखों मर जाएगी। अगर इतना ही ख्याल था तो हमें चोरों की तरह उठाकर क्यों ले आया? इसलिए कि तेरा बाप मेरी माँ को धोखे से उठाकर ले गया है। धोखे से उठाकर ले गया? हाँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजकुमारी का पता लगाए बगैर तुम क्या मुँह लेकर हमारे सामने आए हो? यही है बहादुरी जिस पर तुम्हें नाज था, इसी जासूसी का तुम्हें घमंड था। चले जाओ यहां से, और अगर अब भी नाकाम लौटे तो ऐसी सख्त सजा दूंगा जिसे देखने वाले कांप उठेंगे। इन विचारों को काहे को सजा दे रहे हो महाराज? राजकुमारी का पता मैं बताऊं तो मुझे क्या इनाम दोगे? महाराज ये तो वही लड़की है, गिरफ्तार कर लो इसे। मुझे गिरफ्तार कर लोगे तो राजकुमारी का पता कैसे मिलेगा? राजकुमारी कहाँ है? बताऊंगी, पहले इनाम देने का वचन दो। क्या इनाम चाहती? किंग कॉन्ग की माँ की रिहाई। ये नामुमकिन है। तो राजकुमारी की रिहाई भी नामुमकिन है। वो किंग कॉन्ग की कैद में है, वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसकी माँ को नहीं छोड़ो। मार डाले इस लड़की को। याद रख, अगर तू मुझे मारेगा तो राजकुमारी भी जिंदा नहीं रहेगी। ठहरो। लड़की, हमें तेरी शर्त मंजूर, बता किंग कॉन्ग की मां को कहां पहुंचा दिया जाए? जहां उसे गिरफ्तार किया गया था वहीं तुम्हें राजकुमारी भी मिल जाएगी। लेकिन सुनो, अगर सूरज डूबने से पहले किंग कॉन्ग की मां न पहुंचा दी गई तो राजकुमारी की आस छोड़ देना। किंग कॉन्ग की मां को वक्त से पहले ही वहां पहुंचा दिया जाए। होशियारी से इसका पीछा करो।
क्या खबर लाई है? राजा ने मां को नहीं छोड़ा क्या? अरे राजा के तो अच्छे भी छोड़ेंगे जब तक राजकुमारी हमारी कैद में है। मगर राजकुमारी को तो मैंने छोड़ दिया। क्या, राजकुमारी को छोड़ दिया? हाँ। मगर क्यों? न वो खाती थी न वो पीती थी, एक बेकसूर लड़की की तकलीफ मुझसे नहीं देखी गई। पिताजी, पिताजी। इन काम ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं पिताजी नहीं, उसने अपने आप हमें छोड़ दिया। अपने आप तुम्हें छोड़ दिया? इसमें भी उसकी कोई चाल है? नहीं पिताजी, उसका बर्ताव हमारे साथ बहुत अच्छा था। अब आप उसकी माँ को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना पिताजी। हम तुम्हारे आने से पहले ही सेनापति को हुक्म दे चुके। क्यों सेनापति? जी महाराज। तो किंग कॉन्ग की मां को छोड़ाओ, हमारी बेटी की खुशी इसी में है। अब तो खुश हो ना बेटी? पिताजी। समझ गए ना सेनापति, या समझाना पड़ेगा? सब समझ गया महाराज, अच्छी तरह समझ गया। अरे बोले कौन है? ए, किधर जाती है? राजकुमारी से मिलने। तू और राजकुमारी से मिलने? कभी शक्ल देखी अपने आईने में? चल हट, तो राजकुमारी से मिलने नहीं जा सकती। इतना नाराज क्यों होता है? मैं राजकुमारी को मारने थोड़ा ही जा रही हूँ, मैं तो राजकुमारी को नाच और गाना सुनाने जा रही हूँ। अगर तू अंदर नहीं जाने देगा तो यही सही। अब तो फांसी ला गई रामा चाहे ला गई हथकड़ी, अब तो फांसी ला गई रामा चाहे ला गई हथकड़ी। लड़ी रे लड़ी रे अखियां प्रीत में लड़ी, अब तो फांसी ला गई रामा चाहे ला गई हथकड़ी, अब तो फांसी ला गई रामा चाहे ला गई हथकड़ी। अब तो फांसी ला गई रामा चाहे ला गई हथकड़ी, अब तो फांसी ला गई रामा चाहे ला गई हथकड़ी।
अब तो फांस लागे रामा चाहे लागे हक तेरी, लड़ी रे अखिया प्रीत में लड़ी, अब तो फांस लागे रामा चाहे लागे हक तेरी, अब तो फांस लागे रामा चाहे लागे हक तेरी। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? अरे धोखा दे गई। अरे ढूंढो यार। तू आज मैं तुझे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी की बच्ची मैं तेरा खून पी जाऊंगी। भाग जा यहां से, नहीं तो तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। चल चल, मैं किसी सजा वजा से नहीं डरती। जान हथेली पे रख के आई हूँ गोरी नागन। जी चाहता है तेरी जबान खींच लूं, पर किंग कॉन्ग की शराफत का ख्याल आता है। तुझे अपनी भी शराफत का ख्याल आता है मक्का? किंग कॉन्ग को वचन दे के आई थी कि उसकी माँ को रिहा करवा देगी, लेकिन वो अभी कैद में है। क्या बकती है? पिताजी ने उसकी माँ को कब का छोड़ दिया है? तू झूठी, तेरा बाप झूठा, तू दगाबाज, तेरा बाप दगाबाज। खामोश, जाती है या नहीं? बेटी ने बाप की धोखेबाजी में साथ न दिया तो बेटी ही क्या? जाती है या नहीं? आंखें न देखा, अगर तुझ में जरा भी शराफत है तो पूछ अपने बाप से कि उसने किंग कॉन्ग की माँ को क्यों नहीं छोड़ा। कि माँ को कब का छोड़ दिया है? ये झूठ है, वो अब भी तेरे बाप की कैद में है। याद रख, अगर उसे ना छोड़ा गया तो मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। क्यों बेटी, कैसे आई हो? मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि जिस देश का राजा धोखेबाज हो उसका प्रजा पर क्या असर पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने किंग कॉन्ग के साथ धोखा किया है और अपनी बेटी से झूठ बोला है। क्या तुम किंग कॉन्ग की माँ के बारे में कुछ? हाँ, आपने उसे क्यों नहीं छोड़ा? बेटी ये राजनीति की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जाओ आराम करो। दुनिया फेकम फेक है प्यारे, दुनिया फेकम फेक, चिलम चमेली फूक दे कंजूस की हवेली। अरे तू कहाँ है छबेली? छबेली छबेली छबेली। अरे क्या है गंजेड़ी? राज के सबसे बड़े जासूस को गंजेड़ी कहती है। अरे मैं ही तो वो एक आदमी हूँ जिसे राजा का हर राज मालूम है। पर तेरे गांजा पीने का क्या राज है? नहीं समझी? नहीं समझोगी। अरे मैं गांजा इसलिए पीता हूँ जिसे तुझे पता चलता रहे कि छैला के अंदर तेरे प्यार का ज्वालामुखी दहक रहा है। तो फिर तेरे मरने के दिन करीब आ गए हैं, ले हम तो चले। हाय हाय हाय, हमेशा यही कहती हो कि लो हम तो चले। अरे जालिम, कभी प्यार से ये भी कह दिया होता कि लो हम आए। जा रही हूँ, न जा छबिली, न जा गई, चली। बस तू ही एक वफादार, इसे कहते हैं दिल का लगाव। जो जो नशा बढ़ता जाता है तेरी सुंदरता उतनी ही बढ़ती जाती है। अरे कभी मेरे प्यार का इम्तिहान तो लेके देखती। क्यों नशे में बड़बड़ कर रहा है? सच कह रहा हूं छबीली,
अगर तू जान भी मुझसे मांग ले तो अभी निकाल कर बाहर पटक दो। अरे जा, तू क्या जान देगा? आज तक कभी कोई छोटी सी बात भी बताई है तूने? तूने पूछा ही कब है? कब से तो पूछ रही हूँ, किंग कॉन्ग की माँ को कहाँ रखा है? कैद खाने में। कैद खाने में? कैद खाना कहाँ है? हवेली। कैद खाना वहाँ है जहाँ किंग कॉन्ग की माँ है। देख, फिर घुमाया ना बाप को, अब प्यार की जिंगे हाँकता है। देख हवेली, प्यार का वास्ता न दिला। हाँ, मैं तो अभी बता दूंगा कि राजमहल के पिछवाड़े है। राजमहल के पिछवाड़े? राजमहल के पिछवाड़े कैद खाना है? हाँ, 100 गज पूरब की तरफ चल के, 20 गज उत्तर की तरफ चल के, नाक की सीध में। दुनिया फेकम फेक खतरा, दुनिया फेकम फेक। अरे यार, ये रात फेकम फेक है। सब ठीक होता है। बैठो, बैठो, बैठो। लो और सुनो। अरे मेरा बाजा। जब तक ये बाजा बजता रहे, ओहो, पीछे मुड़ के ना देखना, वरना सब चौपट हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। क्या समझे? समझे, समझे, समझ गए। लो 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 लो। तुम्हें छुड़ाने आई हूँ माँ। अरे रागी, तू इस भेष में? ये बात करने का समय नहीं है माँ, जल्दी चलो, फिर सब बताऊंगी। चलो चलो, जल्दी चलो। माँ, तुम किंगो के पास जाओ, मैं बाद में आऊंगी। माँ, तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, मैं सिपाहियों को इंतजार करके आऊंगी। अरे फूल ऊपर कैसे चला गया? कुछ समझ में नहीं आता क्या मामला है, आखिर हुआ कैसे है? हरिओम तत्सत, हरिओम, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बच्चा क्या कष्ट है? कौन है तू?
कहाँ है वो औरत? औरत? बच्चा, साधु को औरतों से क्या मतलब? कुछ ध्यान की बात पूछ, कुछ ज्ञान की बात पूछ, आज मैं सब कुछ बता दूंगी। साधु महाराज सब कुछ बता देंगे, साधु महाराज सब कुछ बता देंगे, कुछ पूछ बच्चा साधु महाराज। तुम चल मैं अलख निरंजन देखे ढूंढे दुनिया फेकम फेक है प्यारे, दुनिया फेकम फेक, पहाड़ पर जा रहा हूँ। क्यों? भगवान से दिल लगा कर देख लूंगा, छबीली से तो दिल लगा कर देख लिया, तुम्हारा माफ दे दो, तुम्हें भी ऐसे जोगिया कपड़े सिलवा कर भेज दूंगा। तुम्हारे होए ठिकाने पर है या नहीं? अरे जब से छबीली को उस पलटू के बच्चे से इश्क लड़ाते देखा है, मेरे होश ठिकाने आ गए। तुम भी राजकुमारी को बादल से आंखें लड़ाते देख लो, तुम्हारे भी होश ठिकाने आ जाएंगे। होश मेरे रहते हुए कोई भी राजकुमारी से इश्क नहीं कर सकता। तो अपनी आंखों से देख लो। राजकुमारी अब बोलो। अरे छबीली वो देख, अरे बड़ा गर्क, ये शैतान का बाबा यहाँ कैसे पहुँच गया? मालूम होता है ये हमारी आत्मा को शांत करने आया है। अरे अब क्या? बादल भैया, बादल भैया, ओ फिर वही बात, बादल भैया, बादल भैया, ये सारी मोहब्बत चौपट हो गई। वो देखो क्या, वो देखो प्यार का यमराज आ रहा है। अरे अब क्या होगा? वो देखो क्या, वो देखो ये पूछे पुड़धम पुड़धम, ढोलक ये पूछे पुड़धम पुड़धम, बोलो सरकार कहाँ ये रास्ता भूले तुम। जुम बुम बुम ढोलक ये पूछे बुम बुम पुड़धम पुड़धम, बुम बुम ढोलक ये पूछे बुम बुम पुड़धम पुड़धम, बुम बुम बोलो सरकार कहाँ ये रास्ता भूले तुम। बुम बुम ढोलक ये पूछे पुड़धम पुड़धम, तो बाहर ना हो जाए गुम। ढोलक ये पूछे गुम गुम पुड़धम पुड़धम, गुम गुम ढोलक ये पूछे गुम गुम पुड़धम पुड़धम, गुम गुम बोलो सरकार कहाँ ये रास्ता भूले गुम गुम गुम। ढोलक ये पूछे पुड़धम पुड़धम, जादू की नगरी संभाल के चल। तू आँखों में आँखें डाल के चल, है जादू की नगरी संभाल के चल। जादू सा हो जाए ना, खंजर भी खो जाए ना, ये तलवार
ये पूछे कुड़दुम कुड़दुम ढोलक ये पूछे कुड़दुम कुड़दुम बोलो सरकार कहाँ ये रास्ता भूले तुम ढोलक ये पूछे कुड़दुम कुड़दुम नजर में है शान शिकारी की मगर है कमाल उतारी सी नजर में है शान शिकारी की मगर है कमाल उतारी सी महलों से दूर भी हो कुछ मजबूर भी हो देखो शिकार न हो जाए गुम ढोलक ये पूछे गुम गुम फुर्दुम फुर्दुम गुम गुम ढोलक ये पूछे गुम गुम फुर्दुम फुर्दुम गुम गुम बोलो सरकार कहाँ ये रास्ता भूले तुम गुम 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 ढोलक ये पूछे फुर्दुम फुर्दुम अबे चुप बताओ राजकुमारी कहाँ है मैं बताता हूँ सब लोग बता जाएंगे ये तो बचपन से मेरे गले में है और जब से राजा ने इसे देखा मेरी जान लेने पर तुल गया है बचपन से तुम्हारे गले में है हाँ हाँ फिर तो आज बहुत खुशी का दिन है कि किंग कॉन्ग के खोल में भाई का पता चल गया किंग कॉन्ग मेरा भाई हाँ हाँ तब तो किंग कॉन्ग को मैं मिलकर राजा से बदला ले सकते मगर तुम किंग कॉन्ग से कैसे मिल सकते हो तुम तो कैद में हो मुझे यहाँ का चोर रास्ता मालूम है वहीं से निकलने की कोशिश करते हैं शायद भगवान हमारी सुन ले अगर ऐसा हो जाए तो मैं माँ को उसका बिछड़ा हुआ बेटा और बेटे को उसकी माँ और भाई से मिला दूँ ऐसा ही होगा Yeah.
बदमाश की जिंदगी का मौत में ताजुमा कर रहा हूँ। अरे भोंदू, ये तो तेरा भाई है। वाह, ये बुजदिल मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। लेकिन बात तो सुन, ये भाई है तेरा। देख, ये निशान का दूसरा हिस्सा, अगर आंखों से ना दिखाई दे तो दांतों से देख। अरे दीदे, फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? इसी निशान के कारण तो राजा इसका दुश्मन हो गया है। चल, अब तू इसे गले लगा ले। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, अब उसकी माफी दे दो भैया, और अपने भाई को गले से लगा लो। लगा लो ना भैया। भैया, अरे भोंदू, देखता क्या है, ये तेरा भाई है, मैं जो कहती हूँ। चल चल, गले लगा इसे, गले लगा भैया। मेरे भैया, अब तुम दोनों जी भर के गले मिलो। मैं जाके माँ को खबर करती हूँ कि तेरा दूसरा बेटा भी मिल गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि तू मेरा भाई है। भैया, मुद्दत से जो बिछड़े हुए हैं, मुझे अपनी सेवा का मौका तो दो। मैं तुम्हें अच्छी तरह विश्वास दिला दूंगा कि मैं तुम्हारा कैसा भाई हूँ। बेटा, माँ, माँ, तुम्हें विश्वास आ गया कि ये तुम्हारा बेटा है? ममता आंधी होती है बेटा। मेरा ही बेटा, मेरा लाल। तू सच क्यों कर रहा है रे? अगर ये बेटा ना होता तो राजा के कैसे मुझे कैसे छुड़ाता? फिर तुझे ही जाना पड़ता मुझे छुड़ाने के लिए। हाँ, चल तू हट परे। तू इतना बड़ा कैसे हो गया रे? मैं तो समझ में नहीं सकती कि मेरा छोटा बेटा किंगू जितना हो गया होगा। माँ, बेटा। लेकिन माँ, मुझे विश्वास क्यों नहीं होता कि ये मेरा भाई है? भैया, माँ, दुश्मन का नमक मेरे खून में मिल गया है ना। खैर, कोई बात नहीं, मैं भैया को साथ लेकर राजा को वो हाथ दिखाऊंगा, वो हाथ दिखाऊंगा कि वो भी याद रखेगा। और माँ, तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा। माँ, मेरे बच्चे। माँ, माँ, मेरे बच्चों। माँ, रागी। रात नाच में तू इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं तो सोच में पड़ गई, क्या कि राजा से बदला लेने का ख्याल छोड़ दूं और तेरी खुशी पूरी कर दूं। माँ, रागी इतनी खुदगर्ज नहीं है माँ कि अपनी खुशी पर तुम्हारे जीवन भर की उम्मीदों पर पानी फेर दे। तुम अपना इरादा बदलो नहीं माँ, पूरा करो। अब तो दोनों भाई भी मिल गए हैं। अरे इसीलिए तो माँ से आज्ञा लेने आए हैं। माँ, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, अब तो मेरा भाई मेरे साथ है। माँ, नए काम में देर मत करो, हमें आशीर्वाद दो ताकि राजा का काम तमाम करके उसका सर तुम्हारे कदमों में डाल दें। मगर माँ, ये दोनों राजा से मुकाबला कर सकेंगे? एक दिन तो करना ही पड़ेगा। जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी हो। प्यास के दम निकला जा रहा है। भैया, पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी तो क्या है सरकार, अभी दूध लाता हूं।
अभी लाता है। बहुत प्यास लगी है भैया। भैया ये तो दूध है, ये तुम ही ले लो, मैं पानी पीकर आता हूं। वो दूध में मिला दिया सब। अच्छे शाबाश। बादल को हमने इसलिए पकड़ा है कि वो हमारा दुश्मन है। ये गलत है पिताजी, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमें दिल से चाहता है। क्योंकि अभी तक उसको ये नहीं मालूम कि वो किंग कॉन्ग का भाई है। किंग कॉन्ग पकड़ा गया है महाराज। किंग कॉन्ग पकड़ा गया? हाँ महाराज, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ा गया। कहाँ है हमारा कैदी? मेरी कैद में। तुम्हारी कैद में? उसे हमारी कैद में दो। एक शर्त है महाराज। शर्त? और हमसे कुछ मौका ही है। क्या शर्त है? शर्त यह है महाराज कि आप किंग कॉन्ग को अपनी कैद में ले लीजिए और मुझे राजकुमारी की कैद में ले लीजिए। समझ गए ना? या और समझाना पड़ेगा? समझ गए। पिताजी, सेनापति ने हमारे दुश्मन बल्कि राज के दुश्मन को पकड़कर इतना बड़ा काम किया है कि ये जो मांगे ही नहीं, नाम मिलना चाहिए। देखिए, मैंने जो कुछ कहा सोच समझ के कहा है। तो क्या ये तुम्हें मंजूर है? जी पिताजी। माँ चिंता मत कर, किंगू कोई अकेले थोड़ा ही गया है, उसके साथ उसका भाई भी तो गया है। हो गया, सेनापति तुम सबको धोखा दे गया, वो किंग कॉन्ग का भाई नहीं है। क्या? सेनापति किंगू का भाई नहीं है? नहीं, बादल है। बड़ा सूरमा बना था। सेनापति के एक ही झटके में घुटने टेक दिए। अरे शेर चूहा बना हुआ है। क्या कह रहे हो हमारे सेनापति के? अब इन दीवारों से सर टकराओ मेरे मिट्टी के शेर। खबरदार जो आगे बढ़े तो छोड़ दो मेरी माँ को, नहीं तो मैं सबकी जान ले लूंगा।
इससे पहले हम तेरी माँ की जान ले लेंगे। अगर इसको बचाना चाहता है तो अपने आप को गिरफ्तार करा दे। नहीं। जल्दी करो, नहीं तो ये खंजर तुम्हारी माँ के सीने से पार हो जाएगा। छोड़ दो मेरी माँ को और पकड़ लो मुझे। नहीं, मेरा नाम नहीं, मुझे मर जाने दे, मगर तू अपने आप को गिरफ्तार न करा। नहीं माँ, मैं अपनी जिंदगी में तुम पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। पकड़ लो मुझे। पकड़ लो इसे। ले जाओ इसे। हमने तुम्हें इसलिए गिरफ्तार किया है कि तुम हमारे दुश्मन हो। आपको धोखा हुआ है महाराज, राजकुमारी के पिता का भला मैं कैसे दुश्मन हो सकता हूँ? अगर तुम्हें यह बता दिया जाए कि तुम्हारे गले में जो निशान था उसका दूसरा हिस्सा किंग कॉन्ग के गले में है तो? जी, उसका दूसरा हिस्सा तो मेरे भाई के गले में हो सकता है, है? तो क्या किंग कॉन्ग मेरा भाई है? हाँ। जिस औरत को मैंने पकड़ा था क्या वो मेरी माँ है? हाँ। माँ, अगर तुम्हें ये कहा जाए कि राजकुमारी की खातिर किंग कॉन्ग की आंखें फोड़ दो, करोगे ऐसा? हरगिज नहीं। राजकुमारी के लिए जान दे सकता हूँ लेकिन भाई की आंखें नहीं फोड़ सकता। बादल, अगर इनकार करोगे तो तुम्हारी आंखें भी निकाल दी जाएंगी। आंखें तो क्या, माँ और भाई के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। और हमारा हुक्म ठुकरा दिया। सरनाथ का दस्तूर खत्म होते ही किंग कॉन्ग के साथ किसकी आंखें भी निकाल ली जाए। क्षमा कीजिए पिताजी, बादल पे जुल्म ना ढाइए, कुछ तो अपनी बेटी का ख्याल कीजिए। हमें तुम्हारा ख्याल है बेटी, इसीलिए तो हम राज को दुश्मनों से साफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गद्दी की मालिका तुम हो। हमें राजगद्दी नहीं चाहिए पिताजी, हमें बादल चाहिए। हम उसके आपसे भीख मांगते हैं पिताजी, भीख। राजकुमारियां भीख नहीं मांगा करती, हम दुश्मनों को जरूर सजा देंगे। ले लो इसे। तुम्हारे मरने के बाद अगर बादल जिंदा रह गया तो वो अब नहीं बच सकता। पिताजी का फैसला कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। किंग कॉन्ग तुम्हारे पिता का फैसला भी बदल सकता है और इस महल का नक्शा भी। तुम किसी भी तरह किंग कॉन्ग की माँ को छोड़ाकर उसके सामने लाकर खड़ा कर दो, फिर देखो किंग कॉन्ग क्या कर सकता है। लेकिन उसकी माँ को छोड़ाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम बादल को चाहती हो तो ये मुश्किल आसान करो। तुम किसी भी तरह माँ को छुड़ा कर लो, लेकिन यहाँ पर नाच कौन रोकेगा? नाच? कैसा नाच? सजा देने से पहले नाच होता है और नाच खत्म होते ही सजा दी जाती है, यही यहाँ का दस्तूर है। दस्तूर है? अच्छा, तुम किंग कॉन्ग की माँ को छुड़ाने का इंतजाम करो। जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगी नाच खत्म नहीं होगा। महाराज, ना मालूम इस लड़की ने राज नर्तकी को क्या खिला दिया है, वो नाचने के काबिल नहीं रही। तो नर्तकी की जगह इसे नचाया जाए। एक दिन इसने नाच कर हमारी आंखों में फूल छोंकी थी और किंग कॉन्ग हमारी बेटी को उठा ले गया था। आज हमारा दस्तूर इसी के नाच से ही पूरा होगा और नाच खत्म होते ही किंग कॉन्ग की आंखें निकाल ली जाएंगी। ले जाओ इसे।
Oh, 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 oh,
जानू जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जानू जाता है तो